5 मिनट शायद बहुत ज़्यादा है, मैं 3 मिनट में ही खत्म करूँगा। इस देश में पहले विषम विधान था, बाबा ने कलम के बल पर उसको संविधान बनाया, जहाँ सबको समान अधिकार दिया। और चूंकि आज ये संविधान की बात है, इसके लिए हम संविधान की बात की चर्चा करेंगे। आज हजारों साल से हमारा देश गुलाम रहा है। हमारे शास्त्री जी जो बिहार से हैं, उन्होंने अभी खूब चर्चा की, ऐसे क्रांतिकारी धरती से ऐसा उनका संगठना है, उसके बारे में घंटों बोलते रहे। अभी रास्ते में हमारे चर्चा किया उन्होंने, किस तरह से बाथे में नरसंहार हुआ, बिहार के एक क्षेत्र से, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात में जो ऊना का प्रकरण है, महाराष्ट्र में कितने प्रकरण हैं। आज ये हमारा ये संविधान है, लेकिन पूरे विषम विधान का काम शुरू है, मनुस्मृति काम शुरू है। इसका एक ही मात्र रास्ता है। एक मैंने छोटी सी एक कहानी पढ़ी थी कि घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, ये तीनों प्रश्न का उत्तर एक में दो। बोले इसको फिराया नहीं गया इसीलिए। उसी तरह से इस देश में तमाम हमारे बहुजन समाज की जितनी संगठनाएं हैं, आज हम लोग अलग अलग ढंग से हम अपनी बातें कर रहे हैं। इस देश में अनाचार है, दुराचार है, व्यभिचार है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, इस देश में जातिवाद है, इस देश में जाति विरोधी दंगे हो रहे हैं, इस देश में एक एक तरह का इतना बड़ा आतंक फैलाया जा रहा है। हमारे जो एक मुस्लिम समाज है, जो आज से हजार साल पहले एक शिल्पकार था यहाँ का, जो हमारा अपना एक समाज था, उनको उनके मन में एक भय और आतंक पैदा किया जा रहा है। अभी 6 दिसंबर आ रहा है, बाबा साहब का 6 दिसंबर का दिन उन्होंने चुना और उस संविधान को विषम विधान बनाने की कोशिश की, पूरे संविधान के एक एक पन्ने को तार तार किया। कौन है इसके? मैं जिस मिशन में चला हुआ हूं, क्योंकि मैं मेरी बात खत्म करना चाहता हूं, सिर्फ मैं एक संदेश देना चाहता हूं, जिस तरह से रोटी क्यों सड़ी, पान क्यों अड़ा, घोड़ा क्यों सड़ा, ये इसका सिर्फ एक कारण है, फिराया नहीं गया। इस देश में अनाचार है, दुराचार है, व्यभिचार है। इस देश में देखिए जितने भी हमारे त्योहार हैं, हमारे जो त्योहार है इस देश का, जो 4 फुटों में हमको बांधा गया है, उनको भी हमको उखाड़ कर फेंकना की जरूरत है। इस देश में अभी तक हमारे बाबा साहब ने, ज्योतिबा फूले ने, इन लोगों ने सोशल क्रांति के एक मूवमेंट को चलाया, लेकिन वो मूवमेंट उन्होंने चलाया, बाबा ने भी कलम के बल पर पूरे भारत को बौद्ध में कर दिया और हमको अपने घर में, अपने विचार में, पूरे देश में धम्म की बात करना है, चर्चा करना है। मैंने पहले फिर से आपसे कहा कि हम आप सबसे एक अपील करना चाहते हैं कि सारी बुराई की जड़ सिर्फ एक ही एक चीज़ है, जो हमारे, देखिए हमारे जो सिख भाई बैठे हैं उनके गले में जो पंचशील का ध्वज है, और ये पंचशील के ध्वज जब तक ये देश हमारा फिर से पंचशील में नहीं होता, तब तक ये देश फिर से सोने की चिड़िया नहीं होती है। और हम भले कितनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और बाबा ने कलम के बल पर इस देश को सोने पूरा बुद्ध में कर दिया है, और 25 दिसंबर 2017 को हम लोग कल्याण बुद्ध भूमि में हम लाखों लाख ओबीसी दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने नागपुर में हमारी तैयारी की थी, और इसके बाद में हमारी अपनी दिल्ली की भी तैयारी है। हमारे सारे जो पंजाब के लोग आए हैं, हरियाणा के लोग आए हैं, उनसे मैं कहूँगा 2019 के पहले कई कई लाख लोग, और उसके बाद में हम पूरे देश के हर राज्य में, हर जिले में हमारा एक ही दिन में हमारा एक अभियान चलेगा। और सिर्फ अब मैं एक ही बात कहूँगा, जो धम्म की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जय हिंद।